कैसे हैं गाइस, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग दिस प्यारा सा, छोटा सा, ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। सभी लोग फटाफट आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को, जिसके अंदर यार हम बहुत सी चीजों को जानेंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम दी बायोलॉजी। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। तो यार बहुत से इम्पोर्टेंट डायग्राम्स एंड ऑल आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे तो फटाफट आ जाओ। कल मैंने इतने सारे सेशन ले लिए लगातार 2 दिन तक यार, चार चार घंटे, 6 घंटे लिया लेक्चर, तबीयत की वाट लग गई यार। तो इस वजह से थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से आज थोड़े बहुत सेशन नहीं लिया मैं, आज पूरे यूट्यूब में कहीं दिखा ही नहीं। मतलब आज ऐसा था कि आज मेरा अदृश्य दिवस था आज मेरा अदृश्य दिवस है। ठीक है, तो आज के इस अदृश्य दिवस में मैं कहीं भी दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया पूरे YouTube में, पूरे सोशल मीडिया से गायब था, क्योंकि मैं सो गया था। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1000, 2000, 1200 बच्चे अभी देख रहे हैं, सो फटाफट सब लोग आ जाओ। एमएचटी सीटी, बहुत से बच्चों को ये जानना है कि भाई एमएचटी सीटी का जो एग्जाम है साइंस के अंदर, इसकी स्टार्ट कब से करने वाले हो। चलो फटाफट सब बच्चे एक पोल करो, मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ सीटी के रिगार्डिंग, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम का, ये लाइव है तो पूरे 16 के 16 चैप्टर का इंपॉर्टेंट दे दूंगा मुझे बताओ सब लोग कि कितने लोग सीटी दोगे और कितने लोग नहीं दोगे। ठीक है, मतलब एक बार जस्ट ऐसा बताओ, मैं एक छोटा सा पोल करता हूं। ठीक है, सीटी दोगे, कितने लोग सीटी दोगे, तो यहां पे लिखता हूं मैं यस, यहां पे लिखता हूं मैं नो। ठीक है, और चलो आंसर दो, कितने लोग सीटी दोगे। सीटी वैसे सबको देना चाहिए, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि दूं कि नहीं दूं। एक गाइडेंस सेशन में लेने वाला हूं, एकदम धमाकेदार तरीके से एक गाइडेंस सेशन में लूंगा, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग को सीटी देना है या फिर नहीं देना है। तो 84% लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीटी देंगे, और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीटी नहीं देंगे। ठीक है, तो यार आपको बता दूं, जितने लोग सीटी नहीं देने वाले हो ना, 12th के बाद किसी भी फार्मेसी, किसी भी मेडिकल के कॉलेज में और इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, 12th के बाद, तो जितने बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर उन लोग को अगर करना है फार्मेसी या फिर उसी को बी फार्मा कहते हैं, तो अगर वो सब करना है तो आप सभी लोगों को सीटी देना ही पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। जिन बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनना होगा वो लोग नीट का एग्जाम देंगे, क्योंकि नीट के बिना एमबीबीएस नहीं बन सकते हो जिनको बीटेक में जाना होगा, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो सब बच्चे जेई आईआईटी का पेपर देंगे। जिनको बैचलर इन इंजीनियरिंग करना है वो सब सीटी पे देंगे। भाई सीटी का बहुत डिमांड है महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा नहीं है, सीटी वगैरह बहुत धमाकेदार है, लोग 35-35, 40-40 लाख का पैकेज उठाते हैं, तो बहुत डिमांड है। ठीक है, चलो तो अब हो गया चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट की अब हम बात करते हैं। चलो शुरुआत किया जाए, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आप लोग को नहीं देखना है। सबसे पहले देखो, मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिख के रखा है ऑलरेडी। तो गाइस, ये दोनों डायग्राम में से एक डायग्राम 2 मार्क्स के लिए हमेशा पूछी जाती है। तो अगर बस इस डायग्राम में कंफ्यूजन होता है कि अगर टीएस ऑफ एंथर दिया है और डेहिस्ट एंथर दिया है तो कौन सा बनाने का, ये थोड़ा सा एक इश्यू होता है, बट ये दोनों डायग्राम आर रियली इंपॉर्टेंट, दोनों का नाम अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, इस बात को समझ के रखना गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम ध्यान दो, बाकी ये सब तो मत करो। ठीक है, करना है तो एनाट्रोपस ओव्यूल 3 मार्क्स के लिए अकेले डायग्राम पूछता है। ठीक है, ये सब मत करो, बस एनाट्रोपस ओव्यूल पे ध्यान दो, 3 मार्क्स। 2 डायग्राम हो गए इस चैप्टर से, ये तो एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम इसे नहीं कहते, करना है तो कर लेना, बाकी ये सब कोई डायग्राम बिग्राम नहीं आने वाली। हाँ, यहाँ देखो ये डायग्राम, तो ये 3 मार्क्स के लिए टोटल अब तक 3 डायग्राम हो गया एक चैप्टर से।
तो ये डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देना, इस डायग्राम में से तीनों भी आ सकता है और एक एक भी पूछ सकता है। कैसे एक एक पूछेगा? अगर पोरोगैमी के बारे में बोला तो बता देना कि भाई यहाँ से पोर के थ्रू हम लोग एंट्री करते हैं, चेलाजोगैमी बोलेगा तो बोला चेलाजल के थ्रू, देन उसके बाद मिसोगैमी बीच में से, तो ये इनमें से कोई इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। तो ये हमेशा क्वेश्चन फेवरेट रहा है टीचर लोग का, तो इसे थोड़े थोड़ा ध्यान देना। बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की, इस टॉपिक की। गाइस कभी भी इंडिविजुअल ये डायग्राम पूछा नहीं है, बट डायरेक्टली हमेशा पूछा है। कैसे? देखो अच्छे से, ऐसा बोलेगा डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड ड्रॉ द नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके देनी पड़ती है, मतलब क्वेश्चन के साथ ये वाला डायग्राम हमेशा पूछा गया है, वैसे इंडिविजुअल नहीं पूछते। तो कर लेना, बाकी ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, जिसको बता रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो। देखो ये डायग्राम पे फोकस करना, बीन सीड डाइकॉट या फिर ये वाला मेज सीड मोनोकॉट, चिंदी चिंदी दो दो मार्क्स के डायग्राम है, करना है तो कर लेना वरना छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया गाइस, तो इस चैप्टर से सिर्फ चार डायग्राम मैंने बता दिया कि हमारे चैप्टर नंबर वन से चार डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट था। फटाफट सब बच्चे लोग टिक करते जाओ, वरना क्योंकि 16 चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट बताना है तो थोड़ा सा फोकस करना अच्छे से, ठीक है? तो पूरा का पूरा जरा ध्यान दो अच्छे से, ठीक है? क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप सबको मैं एक खुशखबरी दे दूं कि कल मैं आ रहा हूं ज्ञान साधना कॉलेज में, अगर टाइम मिला तो एनकेटी कॉलेज में भी आ जाऊंगा, ठीक है? सो ज्ञान साधना कॉलेज या फिर एनकेटी कॉलेज में मैं पक्का आ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। तो कल अपन रिव्यू करेंगे, हो सकेगा तो मैं व्लॉग भी बनाऊंगा और आप सबसे मिलूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी साल भर में कभी मिलता नहीं हूँ, तो कल ही मिल जाऊंगा, है ना? तो ज्ञान साधना कॉलेज में सबसे पहले आऊंगा एंड देन उसके बाद एनकेटी में। तो कल पेपर के बाद 2:30 बजे रेडी रहना, सब लोग मिलेंगे। और दूर तो नहीं आ सकता यार, बहुत से लोग कहेंगे सुमैया में आओ, सुमैया मेरा खुद का कॉलेज है जहां मैं पढ़ा हूँ, बट यार मैं ठाणे में रहता हूँ और सुमैया दूर है विद्या विहार में, तो अब मैं विद्या विहार आऊंगा यार मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं इतना दूर नहीं आने वाला मैं इतना दूर नहीं आऊंगा यार, ठीक है? मैं आऊंगा ज्ञान साधना कॉलेज, मेरे यहाँ से है बहुत पास में और बड़ा कॉलेज है, तो मैं वहां पे आ जाऊंगा, ठीक है? बट मैं यार मैं सुमैया नहीं आने वाला। कोई बोलेगा गोरेगांव आ जाओ, पनवेल आ जाओ, यार बहुत दूर है यार, मेरी भावनाओं को तुम समझोगे, तुम सबका ये प्यार एंड सपोर्ट है, ठीक है? लव एंड सपोर्ट है, बहुत बढ़िया यार। मैं अभी बेडेकर कॉलेज में गया था, मेरा तुमने ब्लॉग देखा होगा, बहुत से बेशुमार बच्चों ने बहुत ज्यादा मतलब लव एंड सपोर्ट दिया यार, बहुत खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का वो सबसे बहुत ही खुश कर देने वाला दिन था, जिसमें मैं बहुत हैप्पी था, ऐसा चीजें थी, ठीक है? तो मैं अभी कल जाऊंगा वहां पर, उस कॉलेज में हम लोग मिलेंगे, ठीक है? बहुत से बच्चे वहां पे, अरे पता है बेडेकर कॉलेज में गया था ना, तो दूसरे कॉलेज के बच्चे लोग भी आ गए थे, इन्फॉर्म कर दिया था। तो मिलेंगे, कल मिलते हैं ज्ञान साधना में, ठीक है? और सुमैया तो नहीं आ पाऊंगा, बहुत दूर है यार, वरना मैं आता था, मुझे आने में कोई इशू नहीं है, दूर है यार थोड़ा, 16-17 किलोमीटर है, अब विद्या विहार कौन आएगा? तो कल सब रेडी रहना यार, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मिलेंगे हम लोग सब लोग धमाकेदार तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरी टीम भी आएगी, मस्त एकदम। चलो अब चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट देखते हैं, यहाँ जरा सब बच्चे ध्यान दो। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर टेस्टिस का डायग्राम सबका फेवरेट है, ठीक है? फॉर 2 मार्क्स के लिए यार, उल्लासनगर सरस्वती कॉलेज, ठीक है? इतना दूर यार नहीं आ सकता, सरस्वती कॉलेज तो यहीं पे, क्या बोलते, 5 पखाड़ी पे, बट नहीं उतना दूर नहीं यार, ठीक है? और बदलापुर तो कल्याण के उस तरफ, वहां नहीं आना, ठीक है? टीएस ऑफ टेस्टिस की बात करते, देखो ये जो है हमारा, ये हमारा टीएस ऑफ टेस्टिस है, तो कभी भी ये डायग्राम बहुत कम पूछता है, ज्यादातर ये डायग्राम पूछता है फॉर 2 मार्क्स से 3 मार्क्स को तो एक डायग्राम हो गया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, दूसरा डायग्राम है टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ये वर्ड जरूरी है ध्यान रखना अच्छे से, तो टीएस ऑफ ओवरी ये शब्द ध्यान देना अच्छे से, तो ये है हमारा टीएस ऑफ ओवरी, इसे आप लोग को अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी ठीक है। देखो ये ग्राफियन फॉलिकल 2 मार्क्स को पूछेगा, 3 डायग्राम हो गई टोटल इस चैप्टर में, 3 डायग्राम। चौथी डायग्राम है मेमोरी, ये वाला ज्यादा ना, मेमोरी ग्लैंड, और 4 डायग्राम, ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना इसलिए ज्यादा डायग्राम से, और स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर ऊजेनेसिस, देखो यहाँ पे ऊजेनेसिस और स्पर्म, तो ये हमारी 5 डायग्राम हो गई टोटल। अब ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस एक ही जैसा दिखता है, और स्पर्म का डायग्राम तो बना लोगे 2 मार्क्स के लिए, स्पर्म का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 5 डायग्राम हो गई। बाकी अनफर्टिलाइज्ड एग का भी देख के जाना, ये भी हमारा 6 डायग्राम हो गया, बस इतना ही है। तो इस चैप्टर से टोटल 6 डायग्राम आपको बनाना है, बाकी आपका कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं पूछेगा, बाकी टेंशन मत लो।
और देखो ये चीज ना क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में हमेशा, कल याद रखना शायद कहीं पूछ लिया तो। और हाँ एक और न्यूज बता दूं, बायोलॉजी के पेपर में सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचना है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ क्योंकि अभी अभी नई न्यूज आई है कि 1 घंटे पहले हमें सेंटर में पहुंचना है, अगर 1 घंटे पहले सेंटर में नहीं पहुंचते हो तो तुम लोग को टीचर अंदर नहीं लेने देगा, तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, मैं पहले ही बोलता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा कॉपी हुई है और ये सब जानते हैं, सारे लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत ज्यादा कॉपी हुई है, कॉपी बहुत ज्यादा हुई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 1 घंटा पहले अपने बोर्ड सेंटर में कल पहुंच जाओगे, वरना तुमको अंदर एंट्री नहीं देंगे और तुमको घर में भगा देंगे। 1 मिनट की भी देरी हुई तो बोर्ड एग्जाम से भगा देंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, पहले ही कह दे रहा हूं। तो प्लीज 1 घंटे पहले जाना कॉलेज के अंदर, ठीक है, पहले ही बता दिया क्योंकि आज ही सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग 1 घंटे पहले आपको जाना है, मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। 1 घंटे पहले पहुंच जाना, मतलब सर्कुलर आया है कॉलेज के ऊपर, तुम्हारा खुद का कॉलेज है, वो कभी एंट्री देता है वो तो मैं देखने नहीं आया हूँ, वो कब एंट्री देगा ये तो मैं नहीं जानता, बट 1 घंटे पहले एंट्री लेनी है, ये बात ध्यान देना, सर्कुलर के हिसाब से बता रहा हूँ। अब वो फॉलो करते हैं नहीं करते वो मेरी मर्जी, मैं नहीं जानता उसके बारे में। तो गाइज ये वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ये जो दोनों टॉपिक है, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ये दोनों जो चीजें हैं वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, इन दोनों का डायग्राम तो कभी डायरेक्टली नहीं पूछा, बट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर स्टॉपिंग दी प्रोडक्शन और स्टॉपिंग दी फर्टिलाइजेशन। तो परमानेंट मेथड है ये ट्यूबेक्टॉमी एंड वैसेक्टॉमी, तो इनका डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने का, तो तब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। चलो आ जाओ बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें बहुत कम डायग्राम है, ज्यादा डायग्राम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर चलते जाओ, ज्यादा डायग्राम है ही नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं डायग्राम बिग्राम ज्यादा है ही नहीं भाई, तो बस चलते जाओ। हाँ इधर है, एक डायग्राम है सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में, सिर्फ एक डायग्राम है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बंदा बार बार कमेंट कर रहा है और बार बार पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है। अच्छा अगर मैं अपनी एज बता दूंगा और अगर मैं छोटा निकला तो तुम मेरे से पढ़ाई नहीं करोगे ना, ऐसा होता है ना गाइस। आप सबको बताऊं, व्हेन आई वाज इन 2018 तो मैंने पहली बार चैनल शुरू किया था, तभी मैं बहुत छोटा था ना, तो सभी लोग कहते कि यू आर टीचर, मैं बोला हाँ तो क्या हुआ, मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी का फेस देख के किसी को जज करना बहुत बुरी बात होती है, जरूरी थोड़ी टीचर 50 साल का ही होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बताया तो बेचारे लोग बोलते अरे वाह यार पढ़ने में मजा आ रहा है लेकिन लगते नहीं हो यार हमारे फ्रेंड में, बोला हाँ तो फ्रेंड ही समझने का ना, काहे के लिए टीचर समझ रहे हो, ऐसा समझो कि एक दोस्त से एक भाई से पढ़ रहे हो, भाई नहीं मानना चलो दोस्त मान लो, भाई भी मान सकते हो थोड़ा थोड़ा मुड़ा ज्यादा नहीं लेकिन, ठीक है। चलो तो ये क्रोमोसोम वाली बातें एकदम ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स की बातें जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स को आती है। चलो आगे निकलते हैं, सो आप थोड़ा सा आगे की बातें करते हैं, इसमें ज्यादा डायग्राम्स नहीं आएंगे, और अब क्या ये टकला बनाने बोलेगा ये सब नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं, वो डायग्राम एक फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट कर लेना, बाकी कुछ नहीं, वो नहीं क्या अपना सेक्सुअल डिटर्मिनेशन वाला पार्ट, तो एक ही डायग्राम है। चैप्टर नंबर 4 की अब बात करते हैं, नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखते हैं कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो भाई ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये डायग्राम जैसा कुछ नहीं, ऐसा डायरेक्टली डायग्राम पूछता नहीं है इनका, ये ग्रिफिथ हर्शेन चेस एक्सपेरिमेंट पूछेगा तो ये तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा, ऐसा इंडिविजुअल डायग्राम कभी नहीं पूछता इसका, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल डायग्राम कभी नहीं पूछता, ठीक है। हाँ ये देखो न्यूक्लियोसोम का डायग्राम पूछेगा, बोलेगा 2 मार्क्स के लिए न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बना के दिखाओ, तो ये नाम याद रखने का, इधर नाम न्यूक्लियोसोम तो यही डायग्राम बना के दिखाने का, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, फॉर 2 मार्क्स से 1 मार्क्स 1-2 मार्क्स के लिए पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। हाँ ये देखो ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत से टीचर इसमें पूछते हैं भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। तो फेमस क्वेश्चन को कभी देखो, फेमस चीजों को, फेमस लोगों को और फेमस क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं करने का, क्योंकि ये लोग बहुत ही फेमस होते हैं, ठीक है। चलो बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, चलो ये सब नहीं आएगा, आगे बढ़ो, इसमें से भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन निकले, मतलब ये भी नहीं, चलो ये कुछ भी नहीं। चलो यहाँ देखो अभी, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन अब तक का टीचर लोग का, बहुत से टीचर लोग ने इसमें से ना क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, इसके लिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन प्लीज आप सब बच्चे लोग अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा अच्छे से ज्यादातर पूछा गया है, ठीक है।
तो इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना, ये एग्जाम में हमेशा 2 से 3 मार्क्स को पूछा गया है। गाइज आप सब बच्चे बोलते हो ना कि मुझे एग्जैक्टली लर्निंग और अर्निंग का वीडियो दो, मतलब पैसा कैसे कमाए इसका कुछ जरिया बताओ। यार तुम्हारा भाई, तुम्हारा फ्रेंड, जो तुम मुझे मानो तुम सब मान सकते हो, जिंदा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम्हें देखो यार, जिंदगी में ना कुछ अर्न करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों में एक थोड़ी सी कमी भी कह सकते हो कि यहाँ के बच्चों को मैं अभी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तुम्हारी तुम्हारी बैच मेरे साथ है, तुम्हारे पहले की भी बैच मेरे साथ थी, मैं लगातार 5 बैचों को अभी तक झेल चुका हूँ। मैं 2018 जब मैं 12वीं में था तब से मैं पढ़ाया हूँ, मतलब अभी मैं लास्ट ईयर में मेरा हो गया, अभी जस्ट पिछले साल ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा हुआ है तो यार अपने खासियत ये है कि लोग पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, मतलब पैसा लगा नहीं सकते। कोई अगर चीज बोलेगा फ्री में तो फ्री में उठा लेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे 200 रुपए 500 रुपए का, उसमें टैग लग गया ना 500 रुपए, बोलेगा नहीं लेना, जाओ भाई पैसे में आ गया तो खरीदना ही नहीं है। भाई जिंदगी में कोई चीज फ्री में मिलती है, तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें लर्निंग अर्निंग का वीडियो बताऊंगा तो मैं पैसा चार्ज करूंगा, मैं सब फ्री में देने वाला हूँ। भाई तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं सब फ्री में देने वाला हूँ, लेकिन जहां से पैसे अर्न करने का आइडिया दूंगा वहां तुम्हें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हार्डवर्क करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, दिन के 1-3 घंटे का हार्डवर्क और तुम्हें अच्छे खासे हजारों रुपए तुम कमा सकते हो, 10,000, 20,000, 30,000 अनलिमिटेड कमा सकते हो, इतना तरीका तुम्हें बताऊंगा। लेकिन बिना हार्डवर्क के नहीं कमा सकते, पहले ही बोल दिया हूं, ठीक है। तो अभी पेपर होने दो, मैं तुम्हें आइडिया दूंगा। तो 2-3 हजार 4 हजार इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहना, मतलब मैं नहीं लेने वाला, मेरे को 1 रुपए भी मत दो बाबा, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। मतलब मुझे पैसा चाहिए ऐसा नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत जरूरी चीज है, बट मैं तुमसे मांगूंगा नहीं कि मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें फ्री में बताऊंगा, ठीक है। तुमको जहां इन्वेस्ट करने का तरीका बताऊंगा वहां इन्वेस्ट कर देना और तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब वो कोर्स हो सकता है सीखने का कुछ, या कुछ कहीं स्टॉक का हो सकता है, कहीं फ्रीलांसिंग का हो सकता है, कुछ ना कुछ रहेगा, तुम्हें ही सीखने मिलेगा, मेरे को कुछ पैसा नहीं चाहिए तुमसे। तो इन्वेस्ट करने रेडी रहना, मैं कमाने का तरीका तुम्हें बताऊंगा। एक बात की गारंटी भी देता हूं कि तुमने अगर शिद्दत से दिन के 2 घंटे भी 3 घंटे उसमें मेहनत करोगे ना, 3 से 4 महीने के बाद तुम आराम से 10 से 20 हजार रुपए महीने का कमा सकते हो। अब बाकी तुम्हारे हाथ में कि तुम कितनी मेहनत करोगे, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और वो पैसा हमेशा आएगा, आता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना, बट अभी नहीं, पेपर होने दो, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से। ये दो ही डायग्राम इस चैप्टर में, कौन सा हमारा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला न्यूक्लियोसोम का, फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, बस दो ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 की क्या औकात है भला, इसमें से कुछ नहीं आता, भारत माता हमको कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं, अभी पूछेगा भी तो क्या ये इस नंगे पुंगे लोग का डायग्राम पूछेगा, ये थोड़ी पूछने वाला है। भाई कपड़ा पहन लिए होते, बनाना का पत्ता लगा लिए होते, वही बहुत काफी था, कुछ भी कर दिया तुमने, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं, अभी यहां ध्यान दो अच्छे से ना, प्लांट वाटर रिलेशन की चलो बात करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन, ये चैप्टर एक तो रिड्यूस है, लेकिन इसके जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जरा ध्यान दो अच्छे से। रूट टिप शोविंग रूट हेयर जोन, एंड दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, सो प्लीज फोकस इन दिस, ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इस पे आप लोग को समझ के रखना है, ठीक है। चलो सो रूट टिप और रूट हेयर की जो बातें हैं, इन चीजों को आपको अच्छे से फोकस करके रखना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ। तो रूट टिप ये डायग्राम में 2-2 मार्क्स को पूछ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर का वैसे भी वेटेज बहुत कम है और थोड़ा ही सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोग इसको कर लेना। और गाइस अगर आप ना, हाँ मार्क्स कब मिलता है डायग्राम में वो सुन लो, डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं की ना, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ मतलब नहीं, आपको एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस बात को आपको जरा समझ के रखना अच्छे से, एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, मैं पहले ही बोल दिया हूं तुम लोग को। चलो अब आगे की बात करते हैं, नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, सब रिड्यूस है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, इसमें से भी सब चीजें तो रिड्यूस ही हैं। चैप्टर नंबर 7 में भी कोई डायग्राम नहीं ज्यादा, चैप्टर नंबर 8 में है, तो चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ। देखो ये डायग्राम जो दिया हुआ है, ये डायग्राम पे जरा फोकस करना अच्छे से, ये बहुत जरूरी डायग्राम है।
ठीक है, ये डायग्राम पे जरा फोकस करना अच्छे से, ये बहुत जरूरी डायग्राम है। वैसे ये डायग्राम तुम्हें हेल्प करेगा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में, इस बात को आपको जरा समझ रखना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, बाकी तो कुछ भी नहीं। हाँ, लैरिंग्स का डायग्राम, दो डायग्राम हो गया इस चैप्टर में से, फिर ये सब। हाँ देखो यार, ये बहुत आसान डायग्राम, इसे डायग्राम नहीं कहते, ये डायग्राम नहीं कहते इसे, ये सिर्फ इतना बताया हुआ है कि हमारा जो डायफ्राम है वो, अभी अभी सांस तुमने इंस्पिरेशन किया है, सांस लिया है तो ये इस तरह हो गया, फिर अगर तुमने सांस छोड़ा तो ये ऐसा हो जाएगा, बस इतना समझाना, एग्जाम में आ सकता है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इज दिस वन, जो कि 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछने के बहुत चांस है। एग्जाम में क्या पूछेगा सुन लो, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोलस एंड कैपिलरी, तो यही टॉपिक पूछेगा, तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, यही टॉपिक पूछेगा, तुम्हें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, ध्यान देना, अगर आ गई तो बना के आ जाना, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, ये सब नहीं आने वाला, ये सब कुछ नहीं आएगा। चलो आगे निकलते हैं, सब कुछ नहीं, सिर्फ 3 डायग्राम। हाँ, चौथी डायग्राम है हमारी ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, यानी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कितने चिंदी डायग्राम है, ऐसा गोल गोल मारो और यहां से ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, हो गया तुम्हारा काम, बस ऐसे तो बनाना है, एकदम चिंदी है भाई, ये डायग्राम बहुत चिंदी और यही चिंदी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात ध्यान देना चाहिए। मस्त पढ़ा चुका हूं तुमको पहले भी, मस्त ऐसे ही पढ़ के जाओ, आगे बढ़ो, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये देखो जरा अच्छे से, हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम, 5 डायग्राम हो गए इस चैप्टर से, बड़ा चैप्टर है ना इसलिए टाइम लग रहा है। तो हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम करके जाना, बाकी बस। और रही बात हार्ट की, तो हार्ट का डायग्राम एग्जाम में एक आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पक्का पूछेगा, ठीक है, मतलब एक डायग्राम पक्का पूछता है, अब तक का रिकॉर्ड है। अभी इस बार नहीं पूछा तो मेरे को गालियां मत देने लगना, लेकिन अभी तक मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 5 बार पे पूरा 5ों बार हार्ट का डायग्राम एग्जाम में पूछा है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हार्ट का स्ट्रक्चर हो, बट पूछता जरूर है हार्ट का डायग्राम। तो भाई डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूछ लेगा या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पूछ लेगा, तो कोई ना कोई भाई एक पक्का पूछने वाला है, इस बात को ध्यान देना। अब कोई बच्चा बोलेगा मिनिमम कितनी लेबलिंग करनी है, अब तुम ही बताओ ना, एक इंसान का डायग्राम तुम मान ले बनाए, तुम आंख दिखाओ, नाक दिखाओ, मुंह किधर है, कान दिखाओ, बाल किधर है, सब किधर है, बताना पड़ेगा ना, तो जितना मैक्सिमम तुम लेबलिंग कर सकते हो उतनी लेबलिंग करो। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, ल्यूमेन व्यूमेन कुछ नहीं पूछता, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला। चलो ठीक है, आगे निकलते हैं। अब बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर 9 की। भाई चैप्टर नंबर 9 में है ब्रेन का डायग्राम, और ब्रेन का डायग्राम आता तो है बट बना नहीं सकते क्योंकि इतना हार्ड है, तो मैं तो सजेशन दूंगा कि इससे अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेना, मत करना इसके एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ब्रेन नहीं बना पाओगे, और बना भी अगर तुम ब्रेन का डायग्राम ही बना लो, भाई ब्रेन को बनाने के लिए ब्रेन होना चाहिए तुम्हारे पास दिमाग रहेगा ना, तो फिर ब्रेन का डायग्राम बना लो। और हाँ यार, बहुत से बच्चे कह रहे कोडिंग डालो, कोडिंग डालो, ठीक है, यहाँ जरा ध्यान दो अच्छे से, कोडिंग डालो, कोडिंग डालो, चिल्ला तो रहे हो, मैंने किसी से पीडीएफ मांगी थी, मेरे को पीडीएफ तक तुमने नहीं दिया, इवन तुमने मेरे को ये तक नहीं बताया तुम लोग ने मेरे को कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक लगती, तो मैं खरीद के तुमको पढ़ा दूंगा, ये तक तुमने नहीं बताया भाई। अब मैं क्या बोलूं कि सीएस वाले बच्चों को कौन से पब्लिकेशन की बुक लगती है, तुम बच्चों ने ये तक नहीं बताया मेरे को, अब मैं क्या ही बोलूं, सोचो, जाने दो, कहां से मैंने इतना सोचा था कि मैं तुम्हें सीएस की पूरा कंप्लीट, तुम मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछो सीएस का, जावा स्क्रिप्ट, जावा, एचटीएमएल, C++, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम जो पूछना है मेरे से, यू टिप ऑफ द टंग आंसर दूंगा मैं ये 4 साल में पढ़ चुका हूं इस चीज को, लेकिन तुम लोग से मैंने बोला था कि मैं तुम्हारा पेपर करवा दूंगा सीएस का, लेकिन तुमने मुझे एक आंसर नहीं बताया सीएस का, मतलब कि कौन सी पब्लिकेशन की तुमको किताब लगती है और उसमें सिलेबस कितना है, ठीक है, तुमने बताया नहीं, अब छोड़ो, ध्यान दो, अब पढ़ो जहां से पढ़ना है, अभी भी मौका है, बता दो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में भेज दो सिलेबस, मैं खरीद लूंगा, आईटी भी पढ़ा दूंगा यार, तो करवा दूंगा, मेरा वही फील्ड है, उसमें से तो कुछ भी करा दूंगा मैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, चलो अब बात करते हैं, ठीक है, मैं आईटी का भी आईटी का तो कराने वाला हूँ, आईटी की टेक्स्ट बुक मेरे पास है, महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, तो आईटी का मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चलो बात करते हैं, अभी जरा ध्यान देना अच्छे से, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देख लो, अभी ये सब कुछ नहीं पूछने वाला, ये पूछेगा, देखो यहाँ पे ये डायग्राम करके जाना,
कभी आती नहीं भाई, कभी पूछा नहीं डायग्राम, बट मैंने ऐसे कह दिया कि कर लो तो कर लेना, हार्ड है। तुम डायग्राम देख के देख, तुमको समझ गया तुम्हारे बस की बात नहीं, कर नहीं पाओगे, मैं भी जानता हूं, तुम मत करना वैसे, बट आई नहीं कभी, बड़ा अच्छी लग रही है, क्या पता आ जाए इस बार, कुछ भरोसा नहीं भाई मेरा। ऐसे रहता है कि मेरे को डायग्राम अच्छी लग रही तो ये आ सकती है, ये अच्छी नहीं है तो ये नहीं आएगी। अब तुम्हारे हाथ में देखो, सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन, ये डायग्राम देख लो एक बार, तो सजाइटल सेक्शन एक बार देख लो अच्छे से, करना है तो कर लेना। देखो कुछ डायग्राम करो मत करो, लेकिन ये करके जाना, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन करके जाओ, बाकी करो चाहे मत करो, ये करके जरूर जाना। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो बाकी कुछ नहीं। हाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो स्पाइनल कॉर्ड, किधर गया स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे। तो ये डायग्राम छोड़ के मत जाना, ये हमें एग्जाम में आ चुका है फॉर 3 मार्क्स, तो ये डायग्राम जरूर करके जाना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये डायग्राम जरूर करके जाना, ठीक है। तो ये डायग्राम जरूर करके जाना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करके जाना, बस बाकी सब कुछ नहीं आएगा, बाकी तो तुम्हारे हाथ में, करना है। आंख भी के कुछ नहीं आने वाला, ईयर आईज सब रिड्यूस्ड है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये कर लो अच्छा है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब ऐसे ही है। सबसे खतरनाक इसको करके जाना जरूर, किसी को करना चाहे मत करना, इसको कर लेना, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। ये सबसे जरूरी है, इसको पढ़ के जाना, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर, ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म में होता है, एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर हाइपर थायराइडिज्म में होता है, तो कर लेना, बाकी ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड ऑल, ठीक है, करना है कर लो, एड्रेनल ग्लैंड, बाकी तो ठीक है सब, चलो क्या सारे इंपॉर्टेंट थोड़ी है, तो मत करना कुछ भी, चलो। तो ठीक है, 3 डायग्राम बता दिया, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, सजाइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, और चौथा थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, 4 डायग्राम इसमें से बताया, कौन कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, सजाइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, देन उसके बाद अपना थायराइड एंड पैराथायराइड, और उससे भी इंपॉर्टेंट है एक हमारा, इन दोनों ग्लैंड के बाद एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर, इतना कर लेना बस, 3 ही डायग्राम है, ठीक है। नीट की क्लासेस अभी स्टार्ट कैसे करूंगा यार, तुमको देखो यार बुरा नहीं मानना, लेकिन नीट की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए जो टीचर्स है ना, वो बहुत हाईली पे करते मांगते हैं, और मैं इतना सारा पैसा कहाँ से दूंगा अभी, मतलब ऐसा है ना कि मैं तुम लोग को, जो भी टीचर, अभी जितने भी टीचर थे तुम लोग ने मेरे चैनल में पढ़ा ना, फिजिक्स का रिविजन तुमने किया, केमिस्ट्री का रिविजन तो मैंने तुमको प्रोवाइड करवाया, ठीक है। निकिता पब्लिकेशन की बुक ठीक है, मैं करवाता हूँ कल से, ठीक है, सीएस का स्टडी कल से स्टार्ट करता हूँ, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, हर टीचर को मुझे आर्ली बेसिस पे हाई पे करना पड़ता है, यू विल नॉट बिलीव। तो मैं पैसे टीचर को पे करता हूँ, कोई टीचर तुम्हें फ्री में पढ़ाएगा नहीं, नो टीचर्स आर टीचिंग यू फ्रीली, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म में मेरा प्लेटफॉर्म तुम्हें फ्री में एजुकेशन दे रहा है, बाकी कोई टीचर्स, हम टीचर्स को हमें चार्ज करना पड़ता है, मैं उन्हें चार्ज करता हूँ, उन्हें देता हूँ, उन्हें पैसे देना पड़ता है, तब जाके तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो नीट वगैरह के लिए अगर टीचर्स लाऊंगा तो उनके हाईली पे होते हैं, 2,000 रुपये घंटे का, 1,500 रुपये घंटे का। अब अगर मान लो एक दिन में 2 घंटे पढ़ाए तो मेरे यहाँ पे 3,000 तो जाएंगे ना, तो इसलिए ना फिर ऐसा, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करूँ, तो अब तुमसे तो चार्ज करना नहीं है मेरे को, जब करना रहेगा तो मैं बता दूंगा कि भाई अब अगर तुमको हाई क्वालिटी और चाहिए, और ऐसे टीचर चाहिए, तो वो टीचर को मुझे पे करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा फिर, तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो मैं मतलब मेरा भी तो कोई भावना समझे कि मुझे क्या कर रहा हूं मैं। अभी तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी एक टीचर को 800, 900, 700, 1,000 ऐसे भी पे करना पड़ रहा है मुझे। तो अब जस्ट बिलीव कि अगर मैं इतना दे रहा हूं, तो अगर किसी टीचर ने 10 घंटे का या 5 घंटे का, 4 घंटे का लेक्चर लिया, तो कितना होता है, 4,000 रुपये गए ना, पर तुमको तो 1 रुपये भी पे नहीं करना है, वो मुझे पे करना पड़ रहा है। तो और मैं कहाँ से अर्न कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीजों से पैसे निकाल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कहीं फ्रीलैंसिंग कर रहा हूँ, कहीं स्टॉक मार्केट है, कहीं दूसरा सॉफ्टवेयर का काम है, उन पैसों को लगा के यहाँ एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो, जहाँ पे बहुत से लोगों को मिले एजुकेशन, फ्री में मिले, बहुत से लोग पढ़ सकें, ऐसी चीजों पर बिलीव कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं लोग पढ़े जिनके घर में कुछ नहीं है, अमीर लोग तो कर लेते हैं यार, बट ऐसा होता है ना, तो ये चीजें होती हैं, इन चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसा होता है चीजें। और तो इसलिए ना उतना, अब कोई बोलेगा भाई YouTube से आ रहा है,
यूट्यूब से इतना सारा नहीं आता है कि मैं सारे टीचर को फुलफिल कर पाऊंगा। तुम लोग जाके कहीं बहुत सी वेबसाइट से चेक कर सकते हो, मैं क्या झूठ बोलूंगा तुमसे, जाओ चेक करो, तुम्हें समझ जाएगा कि क्या बंदा है ये। तुम्हें एक बार खुद समझ जाएगा, खुद से एक बार चेक करो, तुमको खुद मालूम पड़ेगा। तो मैं झूठ नहीं बोलता कभी, चीजों को ध्यान दो अच्छे से, तुमको खुद क्लियर होगा। तुम एक ट्यूशन में जाते हो तो वहां 50,000 रुपये भरते हो फीस, और वहां पे एक ही टीचर आके पढ़ाता है। यहाँ पे हम हर चीज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते, और वो भी देते हैं लेकिन ईमानदारी से तुम लिखते नहीं हो। तो ये चीजें होती हैं। तो मैं नीट के लिए ना वैसे लेवल के टीचर लेके आने पड़ेंगे, और वो लेवल के टीचर मेरे से फ्री में नहीं पढ़ाएंगे मेरे को। नॉर्मल अभी मैं टीचर रखा हूँ जितने भी फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री के लिए, तो उन टीचर को मुझे पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाके इस न्यू इंडियन एरा के अंदर तुम फ्री में पढ़ते हो। नीट के लेवल के टीचर लाऊंगा तो 2,000 रुपये चार्ज करेंगे, तब बताओ तुम ही लोग जरा, वो 2,000 में उनको कहाँ से भरूंगा एक घंटे का। उतना अर्निंग मेरे पास होगा तब ना, मैं तो सभी दे दूंगा मैं फिर तो इतना नहीं, फिर उसके लिए फिर मैं अगर मैं और अगर मैं 400 रुपये 500 रुपये तुमसे हर एक कोर्स का चार्ज करने लगूं, तुम फिर महाराष्ट्र का एक ही हाल है कि पैसे में पे कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग समझते नहीं कि क्या होती चीजें। बट ना लोग अभी 1 रुपये चार्ज करने लग जाऊंगा ना तो 1,000 लोग बोलेंगे ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बट उनको ये नहीं लगेगा कि हमें क्वालिटी दी जा रही है, उनको उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट छोड़ो कुछ नहीं, जब तक मेरी जान है तब तक मैं फ्री में दूंगा। जब तुम्हारी डिमांड रहेगी, तुमको चाहिए रहेगा, तो फिर मैं पेड़ लाने की कोशिश करूंगा तुम लोग के सामने, जब तुमको चाहिए रहेगा, तुम खुद बोलोगे तब, वरना मैं कभी नहीं। मैं तो फ्री में देने वाला हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होगा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए आ जाएं तो मैं पूरे इंडिया के अंदर एजुकेशन फ्री कर दूं, पूरा स्कूल में फ्री और हाई लेवल के टीचर ला दूं। मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाए, खदान विदान मिल जाए ना, सब टीचर को भी बहुत सारा पैसा दूंगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन। बट इतना नहीं होता ना, पैसा कहाँ से आएगा, सबको पैसा चाहिए होता है, सामने तो सब अच्छे बनेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करते हैं। चलो इस चैप्टर के अंदर ना कुछ ही दो से तीन, इसमें दो तीन साइकिल्स हैं, वो साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वो साइकिल में क्या इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी। किधर गया भैया हमारा एंटीबॉडी, हमारे बॉडी का फोर्स होता है वो, हमारे बॉडी की ताकत है वो। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है यार, तो ये डायग्राम को छोड़ के मत जाना, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज इसको अच्छे से फोकस करना। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, 2017 में ये हमारे पेपर में पूछ सका है, मैं 12th में 2017 में था तो ये हमें पूछ चुका है भाई, प्लीज छोड़ के मत जाना, बाकी ये सब नहीं आता। इसमें 2 से 3 ही है, 2-3 साइकिल है बस उतना ही है, बट उसको आपको करना पड़ेगा ठीक है। चलो देखो, स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम इन मॉस्किटो, तो ये आपको सिखाना पड़ेगा, एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ता है ये, 3 मार्क्स को अकेले सिर्फ डायग्राम पूछता है, साइकिल इन मॉस्किटो या फिर एग्जैक्टली साइकिल इन ह्यूमन बींग्स, तो प्लास्मोडियम वाइवेक्स का कैसा साइकिल चलता है, तो ये एग्जैक्टली पूछता है एग्जाम में, इसको करके जाना। तो ये जो है इस चीज को कभी छोड़ना मत यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ये सब आपको क्लियर हो गई बातें ठीक है, समझ में आ गई ना अच्छे से। चलो ये एक साइकिल है, कितने डायग्राम बताए अब तक, एंटीबॉडी और प्लाज्मोडियम का साइकिल। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम के साइकिल के बाद एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, तो ये दूसरा है हमारा, मैंने बोला ना इसमें 2-3 साइकिल है वो इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को अभी गलती मत देना, 2-3 इसमें साइकिल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलो तो ये एंटामोइबा हिस्टोलिटिका ये एक डायग्राम है, इसको करके जाना, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड साइकिल ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, तो आपको 3 मार्क्स को इसको ड्रॉ करके प्रॉपर एक एक स्टेजेस को सब बताना पड़ेगा, एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते हो, फॉर 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो 2 साइकिल हो गए, एक प्लास्मोडियम का, एक एंटामोइबा हिस्टोलिटिका का, और तीसरा है एस्कैरिस का, 3 ही है, इसके आगे नहीं मिलेगा, 3 ही साइकिल है, इसके आगे आप साइकिल तुमको नहीं मिलने वाला है। तो ये तीनों साइकिल को ध्यान से नीट एंड लेवल तरीके से ड्रॉ करके आना, 3 में से कोई 1 पक्का पूछता है, कर लेना, ये प्रीमियम क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। एंटीबॉडी एक क्वेश्चन हो गया उसका डायग्राम, प्लास्मोडियम का दूसरा, तीसरा एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, और चौथा है एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, 4 डायग्राम, 3 साइकिल 1 डायग्राम, कर लेना फायदे में रहोगे, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला, इतना हार्ड तो टीचर भी नहीं आएगा। सैल्मोनेला टाइफी कर लेना, करना रहेगा, बाकी हो गया सब छोड़ दो, मत करो इतना कुछ नहीं। हाँ भैया अपना HIV एड्स, इसको कैसे भूल सकते हो, ये है बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है ये, जिसको हो जाए
उसको बड़ी समस्या है, बेचारे ने गलत काम नहीं किए, फिर भी अगर अगर हो गया तो भी बेचारे को यही सहना पड़ता है कि उसने कुछ तो कार्यक्रम किया है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी भाई बहुत मतलब प्रीमियम क्वेश्चन है टीचर का, बहुत हमेशा पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, ध्यान देना अच्छे से। चलो तो इन चीजों को समझ के रखना, बाकी कुछ नहीं, बस हो गया। अब देखो बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं, कॉल करके बोल रहे हैं, भैया चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 नहीं सिखाओगे? अरे भाई एक सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट नाम की चीज नहीं है। इस चैप्टर में मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? सीटी में डायग्राम नहीं आती, ठीक है? इस बात को आप बताओ जरा एक बार। अब इसमें मैं क्या ही बनाऊं, जरा आप बताओ भाई। सीटी की क्लासेस मैं ला रहा हूं, मैंने उतना बजट बना लिया है, मैंने उतने पैसे टीचर्स को देने के लिए बना लिया है कि मैं सीटी की क्लास इस साल तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं ना क्या करने वाला हूँ, मैं 3 से 4 टीचर्स, 5, 6 टीचर्स की टीम बना रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की। तो सभी टीचर्स की टीम बना करके तुम्हें मैं सीईटी की फ्री क्लासेस दिलवाऊंगा। इसीलिए तुम्हें ये पोल करवा रहा हूँ कि कितने बच्चे रेडी हो सीईटी देने के लिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को सीईटी देना चाहिए। द रीजन इज दैट कि ये सीईटी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम चाहे कोई भी फील्ड दो, तुम अगर एनडीए का पेपर भी देने वाले हो तो सीईटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सीटी, जेई, नीट ये एग्जाम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इनको दो अच्छे से और आगे बढ़ो। तो मैं तुम्हारे लिए ना सीटी की क्लासेस में लेके आने वाला हूँ 20 तारीख से या मैक्सिमम 21 तारीख से, इससे ज्यादा आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। या तो 20 तारीख या तो 21 तारीख, यही यही 21 तारीख का 5, 4, 5 दिन बाद मैं एक बैच लॉन्च करूंगा इसी न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर, और तुम्हें सीटी की प्रॉपर पूरी क्लासेस मैं आपको दिलाऊंगा पूरे एग्जाम तक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे। मतलब मैंने टीचर के साथ प्लान कर रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक सिखाएंगे तुम्हें। 2 महीने का टाइम है सिर्फ, तो 2 महीने की स्टार्टिंग के 10 दिन हम तुम्हें पहले बेसिक सिखाएंगे भाई, कौन से बच्चे को बेसिक, क्योंकि हमने तुम्हारी औकात देख ली ना, तुम्हारा औकात हमने समझ लिया है कि तुम लोग ना जो पेपर में अभी बोर्ड एग्जाम में तुमने कितना पढ़ा है, तुम बोर्ड एग्जाम में कितना तुम पढ़े हो मैं जानता हूँ। एक बच्चे को नॉर्मल फॉर्मूला, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक आय का फॉर्मूला पूछ लूं, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पूछ लूं फिजिक्स में, तुम एबल नहीं हो कि उसका आंसर दे पाओगे। अगर मैं बायोलॉजी में तुम्हें एक जस्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज के नाम पूछ लूं, आप नहीं बता पाओगे। तो तुम सीटी के लिए एबल नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है? इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो इसीलिए सीटी के लिए वैसे टीचर की जरूरत होती है, उस लेवल के टीचर की जरूरत पड़ेगी सीटी में, उस लेवल की स्टडी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सीटी को तुम बोर्ड से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें ना हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे कि तुम्हें हम कुछ भी पढ़ा दें चले जाएं भाई, इसमें हाई क्वालिटी चीजें देंगे। जो बच्चा मेहनती नहीं है उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना मेहनत के तो तुम सीटी निकाल नहीं पाओगे। तो हमारी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं समझ रहा है, बट सीटी के लेवल से ही पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ठीक है? तुम्हें ये चीज ध्यान से देख के पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। 2 से 3 दिन बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए पेपर दिया जाता है, महाराष्ट्र बोर्ड कंडक्ट करवाती है। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जैसे VJTI है, फिर COEP पुणे का कॉलेज है, सोमया कॉलेज है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन मिलता है इस सीटी के थ्रू। तो मैं करवा के दूंगा प्रिपरेशन, मैंने इतना बजट बना लिया है, तो इस साल का तो मैं लपेट दूंगा कैसे भी, मतलब टीचर्स लोग को बुला के और पैसे का जुगाड़ करके लपेट करके पढ़ा दूंगा तुम्हें। मतलब लपेट देना इन द सेंस पैसों की जुगाड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर को तो पे करना पड़ता है, टीचर से तुम्हें फ्री में नहीं देंगे, न्यू इंडियन एरा फ्री में तुम्हें दे रहा है, टीचर को तो हमें पे करना पड़ेगा ना यार। तो इस साल का मैं बजट बना लिया हूँ, तो हो जाएंगी चीजें, तो बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहना। 2 से 3 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारा, तो थोड़ा सा एक सबर बनाओ, 2-3 दिन तुम भी मस्त रेस्ट कर लो। हम लोग सबसे पहले बेसिक सिखाएंगे 10 दिन, ब्रिज कोर्स नाम रखेंगे उसका, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन सीटी कोर, बेसिक से लेके एडवांस तक, बड़े बड़े एमसीक्यू, छोटे एमसीक्यू से लेके आसान आसान ठुल्लू ठुल्लू एमसीक्यू से लेके बड़े बड़े धुरंधर एमसीक्यू तक आपको सॉल्व करवा के देंगे। ऐसा प्लानिंग पूरा 2 महीने का करके रखा है, तुम्हारे एग्जाम तक टेस्ट सीरीज सब कुछ देंगे। बस तुम ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहना और अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि उसके, और देखो अगर मैं एक बात कहूँ ना, तुमसे तो मेरा कुछ फायदा नहीं है, मैं फायदे के लिए नहीं मरता, लेकिन अब तुम 2 महीने के बाद चले जाओगे, तुम्हारा मेरा क्या काम रहेगा, तुम मुझे कुछ फायदा दोगे? नहीं। बट तुम एक कॉलेज में जिस दिन ले लोगे एडमिशन और बड़े इंजीनियर बन जाओगे, उस दिन मेरा फायदा होगा। कैसे? क्योंकि तुम इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट करोगे ना, तब तुम इंडिया के टैक्स भरोगे, पैसा कमाओगे, तो इंडिया का ग्रोथ होगा, तब इंडिया आगे बढ़ेगा, समझा? तो ये लॉन्ग थिंकिंग है इंडिया को ग्रेट, आगे बड़ा बनाने की। बड़े कॉलेज में पढ़ोगे, जब इमेजिन करो ना, उस घर का बच्चा जब जाके स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, जिसके घर में एक छोटा सा बल्ब नहीं है,
वो बच्चा जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा तब कितना मजा आएगा, कैन यू इमेजिन इट? हेलो, कैन यू इमेजिन इट? वो बच्चा जिसके घर में एक छोटा सा बल्ब नहीं है, जब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा तब मजा आएगा देश में। जिसने कभी लैपटॉप हाथ नहीं लगाया, वो बच्चा जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तब मजा आएगा देश में। तो धमाका होगा यार। वी आर ट्राइंग, बहुत बड़ी चीजें करने के लिए थोड़े से अमाउंट की जरूरत पड़ती है, जितना हमसे हो सकेगा हम फ्री में तुम्हें देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे, नहीं होगा ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन की चलो बात करते हैं अभी। तो इसके अंदर ना यार, इसके अंदर ज्यादा डायग्राम नहीं है, अब ये सब चैप्टर ठुल्लू मुल्लू वाले, इनके एक्सरसाइज पढ़ के एग्जाम में जाओ बस। अब क्या ये पेड़ पौधा का डायग्राम बना के आओगे? ये तो रिड्यूस है फिलहाल, बट क्या पेड़ पौधे का डायग्राम बनाओगे? ये सब क्या डायग्राम है? हाँ ये लो बना लो, मछली डायग्राम बना लो, ये घर का डायग्राम बना दो, ये सब कुछ नहीं आता यार एग्जाम में, ये सब डायग्राम कभी पूछेगा मैंने आपको। देखो ये बायोगैस प्लांट, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये बायोगैस प्लांट। ये 9वीं क्लास के बच्चों को था, 9th स्टैंडर्ड में था, एक डब्बा बनाने का, इधर काऊ का डंग, इधर वेस्ट मटेरियल हो गया, बन गया, तो आसान था यार ये ठीक है चलो। बाकी तो इसमें डायग्राम नाम की चीज नहीं है। हाँ बना लो, ये बनाओगे, ये बनाओगे, पेड़ पौधे पत्ती बनाओगे, बना देना, ये सब कभी नहीं पूछता ठीक है, हो गया, ये सब नहीं पूछने वाला। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं चलो। ये चैप्टर से कुछ आने के इशारे हैं, बड़ा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन ये पूछता है, तो आ गया तो कर देना, बाकी कुछ नहीं। और ये डायग्राम अगर बोला पैलिंड्रोम किधर है, पैलिंड्रोम भी एक है, तो ये सब करना है कर लेना, मत करना इतना टाइम पास मत करो। या डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, हाँ ये करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम पे बायोलॉजी में ये थर्ड चैप्टर में हुआ करता था, तुम्हारे कोई 12वें चैप्टर में दिया है तो इसको जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं, ये मछली बिछली ये सब कुछ नहीं आने वाला, मुर्गी बनाओगे बैठ के वहां पे ऐसे डायग्राम नहीं पूछता है, हो गया। अब ये पूरे चैप्टर में कहीं ये सब कुछ नहीं आएगा यार, ये सब, ये ग्राफ भी कुछ नहीं, ये सब डायग्राम थोड़ी है, ये क्या, ये बर्ड का डायग्राम, अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बस। अब इसके आगे तुम्हें ये सब पेड़ पौधे, ये सब, ये तितली वितली, ये सब, ये मछली, ये भैंस की सींग, ये सब कुछ नहीं आने वाला। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट, प्लीज लेट मी नो। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? वाह क्या सेशन दिख रहा है, भूत दिख रहा हूं ना मैं भूत जानते हो क्यों दिख रहा हूं? कोई पूछेगा नहीं मेरे से क्योंकि मेरे घर की लाइट चली गई ठीक है, और मैं आज घर में बैठा हूं तो घर में इन्वर्टर नहीं लगाया है ठीक है। स्टूडियो में इन्वर्टर लगा, स्टूडियो वाला सेशन देखो वहां भी लाइव चल रहा होगा, तो स्टूडियो का सेशन तो बराबर चल रहा होगा। अभी मैं देखो फोन के हॉटस्पॉट चालू किया, इसमें से आया मैं, मेरा फोन भी आज फूट गया ठीक है। चलो ये मत बोलना मैं आईफोन लेने वाला हूँ, कुछ नहीं, आईफोन का मैंने स्टॉक ले लिया है सब जैसे पागलपंती नहीं करता ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें ध्यान देना अच्छे से, क्लियर हो गई? तो भाई बस इतना रिक्वेस्ट है कि सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने, हेलो एवरीवन, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम सबको बताया है ना, उतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से करके जाना सब बच्चे लोग उतने ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना। और लास्ट के टॉपिक कुछ नहीं आने वाले ठीक है, तो लास्ट का बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है, लास्ट के कम एक्सरसाइज में, इनमें सिर्फ एक्सरसाइज करके जाना तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके जाना, बाकी कुछ भी नहीं ठीक है। ओनली एंड ओनली एक्सरसाइज, ओनली बस एक्सरसाइज ही, 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओ, बाकी आपको एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला उनमें से। उनमें डायग्राम नाम की चीज नहीं है, थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह है, उतना मैंने बता दिया है, बाकी स्टार्टिंग के 10 चैप्टर तक की सारी डायग्राम करके जाना ठीक है। चलो तो आगे बढ़े अभी ठीक है, चलो बिल्कुल दबाव है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट है? लेकिन एक बात ध्यान देना, द बॉय कह रहा है कि बिजनेस करने से देश की जीडीपी आगे जाएगी, नौकरी करके नहीं, सो ठीक है। तो द बॉय सिर्फ तुम ही बिजनेसमैन बन सकते हो, भारत देश के अंदर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर सारा 130 करोड़ बिजनेसमैन बन गया तो बेचेगा किसको और खरीदेगा कौन और जिसको जो नीड है फिर वही खरीदेंगे, तो सब बिजनेसमैन बन जाएंगे तो नौकरी कौन करेगा, फिर काम में किसको रखोगे तो भाई जॉब की बहुत जरूरत है इस देश में,
सब सब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो। एक देश में अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है इंजीनियर सब ऐसे ठुल्लु मुल्लु होते हैं? इतने बड़े यूट्यूब का सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसे किसने बनाया होगा? इंजीनियर्स ने, तब ना आज यहाँ पे लेक्चर ले पा रहा हूं मैं। अगर वो बोल दे कि नहीं यार मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो जॉब ही नहीं करूंगा, इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही है और इतने बड़े गूगल कंपनी चल रही, बोले हम यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे, हम जॉब क्यों करें, मैं अपने गूगल बनाऊंगा, तो बना लो फिर, 1000 गूगल ही गूगल बन जाएंगे पूरी दुनिया में। कौन से गूगल बनाओगे? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ भाई। नौकरी 95% लोग करेंगे ही करेंगे, 5% सिर्फ बिजनेसमैन है, ध्यान देना अच्छे से। सब बिजनेसमैन नहीं बन सकते, अगर सब बन जाएंगे तो एक दिन देश में ऐसा होगा कि नौकरी ही नहीं कर पा रहा है कोई, ऐसा हो जाएगा। तो इस बात को जरा ध्यान देना अच्छे, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? चलो, सो गाइज, हमेशा बेस्ट रहो और कभी किसी को कंपेयर मत करो, सब अपने अपने लेवल में बेस्ट होती हैं, चाहे कोई भी हो, सब अपने पोजीशन में अपना अपना बेस्ट हैं, ठीक है? जो काम मैं कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है? तो बस बेस्ट बनो, आगे बढ़ो, हार्डवर्क करो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुनाओ गाइज, अब चलते हैं, बाय एवरीबॉडी। जितना इंपॉर्टेंट बताया उसको कर लो, सीटी का एग्जाम तुम लोग को मैं करवा के दूंगा प्रिपरेशन, 2-3 दिन रुक जाओ, सब तुमको बेस्ट मिलेगा, ठीक है? सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे इसी तरीके के धमाकेदार सेशन में, और कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, एंड कल हम लोग मिलेंगे ज्ञान साधना कॉलेज में, अगर जो भी बंदा उस एरिया का है मिल लेना भाई, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है? तो धमाकेदार तरीके से हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।